क्या आप जानते हैं कि किशमिश कैसे बनता है? दोस्तों, अगर खाने पीने की बात करें तो दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जो कि खुद से पैदा नहीं होती, बल्कि उन्हें किसी दूसरे फल या फिर अनाज से बनाया जाता है। हम जितनी भी चीजें खाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सभी पेड़ पर ही उगती हों या फिर जमीन से निकाली जाती हों, बल्कि हमारे खाने में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बनाने का सोर्स कोई दूसरी चीज होता है। जैसे कि अगर शक्कर की बात करें तो शक्कर गन्ने से बनाई जाती है। उसी प्रकार ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि असल में किसी और सोर्स से बनाई जाती है। दोस्तों, हम सभी ने ड्राई फ्रूट्स तो खाए होंगे और शायद ही आप में से ऐसा कोई होगा जिसे ड्राई फ्रूट्स पसंद ना हो। ड्राई फ्रूट्स जैसे कि काजू, बादाम, किशमिश कई तरह की डिशेज में डाली जाती हैं और उन्हें डालने की वजह से उन डिशेज का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको काजू या बादाम के बारे में तो नहीं, पर हाँ किशमिश के बारे में जरूर बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी तो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि किशमिश एक सबसे अच्छा सा ड्राई फ्रूट होता है, यही समझ लीजिए आप, है ना। लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आखिर ये किशमिश बनती कैसे। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि किशमिश का कोई पेड़ नहीं होता इन्हें तोड़कर के सीधे आप खा लें, बल्कि इन्हें तो एक फैक्ट्री में बनाया जाता है। अब हमें पता है कि आप में से काफी कम लोगों को इस बारे में पता होगा, लेकिन दोस्तों, हमने आज का ये जो पूरा वीडियो बनाया ना, वो इसीलिए बना है जिससे कि आप अच्छे से किशमिश के बारे में जान सके। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, किशमिश बनाने के लिए जिस फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है उसे आप सभी ने खाया होगा, और वो फ्रूट कोई और सा नहीं बल्कि अंगूर होता है। जी हाँ दोस्तों, अंगूर से ही किशमिश बनती है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। अंगूर से किशमिश बनाने की पूरी प्रोसेस होती है, जिसमें कई सारे चरण होते हैं जिनसे अंगूर को गुजारा जाता है, उसके बाद जाकर हमें किशमिश प्राप्त होती है। तो आज हम इसी प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहले किशमिश बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है अंगूर की, और अंगूर के लिए अंगूर की खेती की जाती है। बड़े बड़े बागीचों में अंगूरों को उगाया जाता है। शायद आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि अंगूर बेल पर लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंगूर की जो बेलें होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी होती हैं, जिन पर अंगूर गुच्छों में लटकते हुए नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिन अंगूरों को हम बाजार से खरीदते हैं, किशमिश उन अंगूरों की नहीं बनाई जाती, और अगर इन अंगूरों के द्वारा किशमिश बनाई भी जाती है तो वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो आखिर ऐसे कौन से अंगूर हैं जिनसे किशमिश बनाई जाती है? चलिए हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सी किस्म के अंगूर होते हैं जिनसे भारत में किशमिश बनाई जाती है। दोस्तों, सुल्ताना और आर्कावती वो दो प्रकार के अंगूर की किस्में होती हैं जिनमें मुख्यतः हमारे यहाँ पर किशमिश बनाई जाती है। इन्हीं दो किस्मों की फार्मिंग की जाती है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन्हें बगीचों में उगाया जाता है। जब ये अंगूर अच्छे से पककर तैयार हो जाते हैं, तब बारी आती है इन्हें स्टोर करने की। अंगूर के बागानों में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि किसान महिलाएं भी काम करती हैं, और लताओं पर लगे अंगूर के गुच्छों को कैंची से काटकर अलग अलग बास्केट में इकट्ठा कर दिया जाता है। पके हुए अंगूरों को काटकर कैरेट में भर लिया जाता है और फिर बारी आती है उनको उस जगह पर ले जाने की जहाँ उन्हें किशमिश बनाने के लिए प्रोसेस में डाला जाता है, यानी फैक्ट्रीज कहें या फिर कारखाना। उन कैरेट को गाड़ी में लोड करके कारखानों तक पहुंचा दिया जाता है। कारखाने में पहुंचने के बाद सबसे पहले इन अंगूरों के कैरेट को पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन डबिंग ऑयल के लिक्विड में अच्छी तरह से डुबाया जाता है। अंगूरों का इस लिक्विड में लगभग एक मिनट तक छोड़ दिया जाता है। इसका कारण यह है कि अंगूरों के ऊपर जो बैक्टीरिया लगे होंगे वो इस लिक्विड के द्वारा दूर हो जाएंगे और अंगूर खराब होने से बच जाएंगे। इन दोनों केमिकल्स में इन अंगूरों को डुबाने के बाद अंगूर के सूखने के बाद भी इसका कलर अच्छा बना रहता है। साथ ही ऐसा करने से अंगूर के सूखने की प्रक्रिया भी तेज हो जाती है। सभी अंगूरों को इस लिक्विड में धोने के बाद सूखने के लिए रखा जाता है, और अंगूरों को सुखाने के लिए एक विशेष प्रकार के जालीदार शेड को भी बनाया जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से जालीदार शेड बनाए गए हैं, और इन शेड पर अंगूरों को सूखने के लिए रखा गया है। इन जालीदार प्लेट पर अंगूरों को सूखने के लिए रख दिया जाता है। ये जालीदार इसलिए बनाई जाती है जिससे कि अंगूरों को अच्छी तरह से हवा लगती रहे और अंगूर जल्दी से जल्दी सूख जाए। इसमें एक खास बात का और ध्यान रखा जाता है कि अंगूर पर धूप नहीं लगनी चाहिए, और इसलिए इन जालीदार प्लेट को ऊपर से ढका जाता है। इन अंगूरों को यहाँ पर 3 से 4 दिनों तक सूखने के लिए रखा जाता है। जब ये अंगूर सूख जाते हैं तो उसके बाद इन पर एक बार फिर से पोटेशियम कार्बोनेट और कार्बन ऑयल का स्प्रे किया जाता है, जिससे कि अंगूर की चमक और कलर पहले की तरह ही रहे। इसी तरह से लगभग 10 दिन बीतने तक इन अंगूरों को यहीं रहने दिया जाता है। 10 दिन के बाद ये अंगूर अगली प्रोसेस के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे चरण में अंगूर पर सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। इस चरण के लिए सबसे पहले बनाए गए शेड को चारों तरफ से ढक दिया जाता है जिससे कि ये सल्फर का धुआं बाहर ना निकल सके। इसके बाद बनाए गए शेड के चारों तरफ मिट्टी में गड्ढे कर दिए जाते हैं। छोटे छोटे गड्ढों में भूसा भर दिया जाता है और भूसे के ऊपर सल्फर पाउडर डाल दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है सल्फर को जलाने की। सल्फर को जलाने के लिए इसके ऊपर जलते हुए कोयले को रख दिया जाता है। सल्फर के जलने के बाद रात भर इसका धुआं अंगूरों पर लगता रहता है, और जिसकी वजह से ये अंगूर तेजी से सिकुड़ने लगता है। अब अंगूर के शेड के आसपास लगे प्लास्टिक को हटा दिया जाता है, जिससे कि इस शेड को ढका गया था, और फिर अंगूरों को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है।
तीन से चार दिन फिर इस प्रोसेस को किया जाता है और इसके बाद अंगूर पूरी तरह से सूख चुके होते हैं। जब अंगूर पूरी तरह से सूख जाते हैं तो उसके बाद इन्हें फिर से कैरेट्स में भर दिया जाता है और इन्हें किशमिश फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इन्हें वॉशिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये किशमिश थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाता है और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इनको धो दिया जाता है, जिससे कि किशमिश पर लगी धूल मिट्टी आसानी से हट जाती है। इसके बाद गीला किशमिश कन्वेयर बेल्ट पर आ जाता है और उन्हें ड्रायर में डाल दिया जाता है, जिससे कि ये सूख सके। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये किशमिश कैरेट्स में गिरते जा रहे हैं और इन्हें पैक करके आगे पहुंचाया जा रहा है। कैरेट में भरी किशमिश को फिर से धूप में कुछ घंटों के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद अगर किशमिश में कुछ छोटा मोटा धूल मिट्टी या कचरा वगैरह बाकी रह जाता है, उसके लिए इन्हें और एक मशीन में डाल दिया जाता है, जहां पर बची खुची सफाई भी हो जाती है। ये मशीन वाइब्रेट होती है, जिससे कि छोटा मोटा कचरा अलग हो जाता है। इसके बाद साफ हुई किशमिश को कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर पहुंचाया जाता है, जहां पर ये खास मशीन में चली जाती है। ये मशीन किशमिश में लगे डंठल को अलग कर देती है और बचा हुआ किशमिश आगे चला जाता है और डंठल एक तरफ रह जाते हैं। अब बारी आती है किशमिश की ग्राइंडिंग करने की। एक और मशीन में इनको डाला जाता है, जहां पर अलग अलग साइज की किशमिश को अलग अलग इकट्ठा किया जाता है। कुछ छोटी होती है तो कुछ बड़ी, उनके आकार के हिसाब से उनको अलग अलग कर देते हैं। किशमिश के कलर के हिसाब से भी उनकी ग्रेडिंग की जाती है, इसलिए भी कि किशमिश को एक खास मशीन में डाला जाता है, जहां पर किशमिश के अलग अलग कलर के हिसाब से उन्हें अलग अलग कर दिया जाता है। किशमिश के आकार और रंग के हिसाब से मार्केट में इनके दाम तय होते हैं। जो किशमिश बड़ा और अच्छे कलर का होगा, उसके दाम उतने ज्यादा अच्छे होंगे। ग्राइंडिंग करने के बाद किशमिश पैकिंग के लिए तैयार हो जाती है। अब किशमिश को पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर किशमिश अलग अलग क्वालिटी के पैकेट में पैक कर दी जाती है। जो किशमिश छोटे और अलग अलग कलर के होते हैं, उनके दाम भी मार्केट में कम होते हैं। मार्केट में पहुंचने के बाद किशमिश के दामों को तय किया जाता है, जो कि उनके आकार पर निर्भर होता है। ग्राइंडिंग इसलिए की जाती है, जिससे कि किशमिश के सही दामों का पता लगाया जा सके। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से अंगूर से किशमिश बनाई जाती है। ये एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने के बाद ही अंगूर से किशमिश निकलता है। किशमिश बनाने के लिए अंगूर पर भी अलग अलग किस्म के इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी की किशमिश बन पाती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। साथ ही किशमिश को लेकर जो जानकारी हमने आपको दी, उसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब से आप जब भी मार्केट जाएं, तो किशमिश के आकार और कलर को देखकर उसके दाम के बारे में पता करें। अगर किशमिश बड़ा और अच्छे रंग का है, तो सिर्फ तभी उसके अच्छे दाम दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और उन्हें बताएं कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। देखने के लिए शुक्रिया।